डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के संबंध एवं फलन का आज भाग 14 है, 14th पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन फंक्शन r टू r ना तो एकेंद्रीय और ना यक्षगात है, जहां मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x यानी x धन या शून्य है तो, और मॉडुलस ऑफ x बराबर x यानी x ऋण है। तो ऐसा होता है, हम मॉडुलस नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव होता। तो सॉल्व करते हैं इसे, फलन फंक्शन r टू r में fx is equal to modulus of x for every x comes to r real number द्वारा प्रवासित फलन है, तो f minus 1 is equal to f bar होगा is equal to 1, लेकिन minus 1 1 के बराबर नहीं होता भाई, minus 1 1 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, minus 1 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी बन रहा है और 1 का प्रतिबिंब बन रहा है वो भी बन रहा है, डोमेन से कोई डोमेन उधर तरफ, तो इसका मतलब ये है कि एक एकेगी नहीं। अब देखते हैं माइनस वन कम शुभ आर के लिए, आर यानी रियल नंबर में कोई एक्स कम शुभ आर इस प्रकार नहीं है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस तरह से डोमेन और को डोमेन होगा, अब रियल नंबर ये भी और ये भी, अब इधर तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रतिबिंब पॉजिटिव, प्रतिबिंब पॉजिटिव ही बन रहा है, तो यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनका तो इधर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, जब इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है तो ये अक्षाधर होगा, अक्षाधर नहीं होगा तो किस तरह से लिखेंगे, माइनस वन कम्स टू आर के लिए आर में कोई भी एक्स कम्स टू आर इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन या माइनस कोई भी रियल नंबर, अर्थात मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन, तो फलन जो है वो अच्छा है, फलन नहीं है, अर्थात मापांक फलन ना तो एकेकीय और ना ही अक्षारक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, संबंध एवं फलन में अब तक आप 13 पार्ट कर चुके हैं, 14th पार्ट है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसे इंपोर्टेंट कह सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 और माइनस, तो 1 जब है जब एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी है तो इसका आंसर 1 है, और x की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका पल्सर 0 है, और x की वैल्यू 0 से कम है तो इसका पल्सर माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन है, ना तो एकेकीय और ना ही अक्षादीय, ये हमें सिद्ध करना है। वैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ना एकेकीय ना अक्षादीय, लेकिन अब सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें लिखना तो पड़ेगा। तो यहाँ हम एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इक्वल टू वन, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा है 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं सब जीरो से बड़ी है, तो इन सब के लिए केवल एक ही पल्सर है 1 1, यानी एफ वन के लिए भी 1 होगा, एफ टू के लिए भी 1 होगा, एफ थ्री के लिए भी 1 होगा, एफ 100 के लिए भी 1 होगा, यानी जितनी भी और संख्या है बड़ी सबके लिए 1 होगा। इसका मतलब ये है कि आगे जाके प्रतिबिंब ये भी बनेगा बहुत सारे अवयवों का, तो केवल उतना ही लिखे दिखाना है कि हम बिना शुक्र कर रहे हैं, तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू बराबर 1, किंतु 1 बराबर नहीं है 2 के, इसका मतलब एफ एक एक ही नहीं है, एफ बोले तो फलन फलन एक एक ही नहीं है। अब एफ के पल्सर में केवल 3 अवयव है, एफ का जो पल्सर बन रहा है उसमें केवल 3 अवयव है 1 0 और माइनस, और रियल नंबर में तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, अच्छा और पर्सन में 3 है तो बाकी रियल नंबर बनेंगे, इसमें
बाकी के अंदर रियल नंबर हो गया उनका तो कोई प्रूफ प्रूफ नहीं हुआ। तो अब कोई भी रियल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू आर के लिए आर में कोई एक्स बिलोंग्स टू आर इस प्रकार नहीं है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसलिए एफ अक्षायक फलन नहीं है। अतः दिया गया फलन ना तो एकेटी है और ना ही अक्षायक है। इसको हम चित्र से इस तरह से देख सकते हैं कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इन क्वेश्चंस को बाय डायग्राम भी सॉल्व कर लेते हैं और बाय थ्योरी भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं रियल टू रियल है, रियल टू रियल, ये डोमेन है ये कोडोमेन है। अच्छा, अब यहाँ प्रत्येक नंबर के लिए अब रियल नंबर 0.2, 3, 4 ये सब होंगे, -1, -2, -3, -4 रियल नंबर में 1, 2, 3, 4 ये भी हो सकते हैं, 1/2, 3/2 या 4/5 या √3 ये सब रियल नंबर ही होते हैं। इधर भी इस तरह से बहुत सारे रियल नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से ले लेते हैं मुख्य मुख्य। देखिए इनका जो परिसर बन रहा है, परिसर केवल 3 ले रखा है, 1, 0, -1, 1, 0, -1 परिसर केवल ये 3। परिसर का मतलब इनमें जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए केवल 3 ही कंटिन्यू बनेंगे। तो 1 कौन सी स्थिति में परिसर बनेगा, कंटिन्यू बनेगा इसका जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि इन सब के लिए 1, 3, 2, 3, 4 या इससे भी जितने बड़े हैं या 1.2 है उसके लिए भी वैल्यू बनेगा 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 के लिए 0 बनेगा पूरा, और x की वैल्यू नेगेटिव में होगी तब -1 होगा, 0 से कम का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में होगी तो ये -1। तो इसका मतलब ये है 1 से अधिक अवयवों के लिए इधर केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है तो ये फलन एक है कि नहीं है, अवयव है। फिर अक्षर लेने के लिए देखते हैं कि यहाँ उपस्थित कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में पूर्ण प्रतिबिंब होना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ नहीं हो रहा है। जैसे 2, 3, 4 ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए यहाँ कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। -2, -3, -4 इनके लिए नहीं है कोई पूर्ण प्रतिबिंब, और भी बहुत सारे रियल नंबर होंगे जिनके लिए यहाँ कोई पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है। इसके अलावा 1.1 भी हो सकता तो उनके लिए पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब ये अक्षरक भी नहीं है। ये बाई फिगर इस तरह से सॉल्व कर सकते या समझ भी सकते, और हमारे वेरिफिकेशन और थ्योरीज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।